ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम सातवां अध्याय शुरू कर रहे हैं कृष्णा बुक। इसका शीर्षक है द सेल्वेशन ऑफ तृणाव्रत, तृणाव्रत का उद्धार। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं। जो पूतना आती है कृष्ण को मारने के लिए, स्तन पे इतना खतरनाक विष भर के भगवान पूतना का वध करके उसको धात्री का स्थान देते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो अभी ये सातवां अध्याय है। कंस अभी दूसरा एक राक्षस को भेज रहा है जिसका नाम है तृणाव्रत। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड एट कृष्णा इज ऑलवेज फुल ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस, नेमली कंप्लीट वेल्थ, कंप्लीट स्ट्रेंथ, कंप्लीट फेम, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ब्यूटी एंड कंप्लीट रिनाउंसिएशन। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हैं वो भगवान का डेफिनेशन देते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैरागयश्चैव सनन भाग इतिंगन। जिस व्यक्ति के पास ये छह चीज पूर्ण मात्रा में है, पूरे मात्रा में है, ऐसा व्यक्ति भगवान है। और ये पूरे डेफिनेशन में सिर्फ कृष्ण बैठते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास कंप्लीट वेल्थ है, सब धन है, पूरा शक्ति है, सबसे ज़्यादा फेमस यश भगवान का ही है, और ज्ञान है, पूर्ण तरह से सुंदरता है और वैराग्य है। द लॉर्ड अपीयर्स इन डिफरेंट कंप्लीट इटर्नल फॉर्म्स ऑफ इनकार्नेशन। ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस उपनिषद मंत्र आता है, भगवान जब भी अवतार लेते हैं उनके सब रूप परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं, और भगवान के अनगिनत अवतार हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं वैसे भगवान के अवतार हैं। द कंडीशन सोल हैज इमेंस अपॉर्चुनिटी टू हियर अबाउट द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड इन दिस डिफरेंट इनकार्नेशंस। तो भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं और इतने सारे लीला क्यों करते हैं? ताकि हमको विषय मिले। तो हम भगवान के गुणगान करते रहेंगे, ये कभी विषय समाप्त नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, ये सब भगवान के अवतार आते हैं और इतने सारे लीला करते हैं ताकि हम भगवान के कथाओं में मन लगा सके। मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो क्योंकि कृष्ण गीता का ये सार है, उन पे मन लगाना है, तो उन पे मन लगाने के लिए उनके बारे में सुनना पड़ेगा। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सरत्सताम। हमको कृष्ण के बारे में जब हम सुनेंगे हमारे अनर्थ जितने भी अभद्र हैं, अनर्थ हैं, वो सब धुल जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं द कंडीशन सोल एज इमेंस अपॉर्चुनिटी। तो भगवान ने हमको बहुत सारा अवसर दिया है उनके बारे में सुनने के लिए।
इन द भगवद गीता इट इज सेड जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान गीता के चौथे अध्याय में बोलते हैं मेरा जो जन्म है कर्म है सब दिव्य है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कृष्णा बुक में ये भागवतम के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण इतने अद्भुत कार्य करते हैं, इतने सारे असुरों को मारते हैं, क्योंकि ये बच्चों को ये असुरों को जब भगवान मारते हैं वो कथा सुनने के लिए बहुत आनंद आता है, इसलिए भगवान अलग अलग वैरायटी के असुर को मारते हैं ताकि हमको विषय मिले सुनने के लिए। द पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर नॉट मटीरियल, दे आर बियॉन्ड द मटीरियल कंसेप्शन। तो भगवान के जो कार्य हैं, भगवान के लीलाएं हैं, भौतिक नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो भगवान का जो नाम है पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है। तो वैसे ही भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का रूप भौतिक नहीं है। बट द कंडीशन सोल कैन बेनिफिट बाय हियरिंग सच अनकॉमन एक्टिविटीज। तो भगवान ये सब दिव्य लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि हमको विषय मिले। संभवामी युगे युगे, भगवान हर युग में अवतार क्यों लेते हैं? ताकि हम भगवान के अद्भुत कार्य के बारे में सुन सकें। हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। तो भगवान के साथ संग करने का अवसर है कानों के माध्यम से, श्रवण। तो अगर हम ध्यान से भगवान का श्रवण, कथा का श्रवण करेंगे, हम डायरेक्टली भगवान के संग में हैं, इनडायरेक्टली नहीं। इसलिए जब हम कृष्ण लीला का चर्चा करते हैं, ये लीला में हम एक्चुअली प्रवेश करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठ गए, ये सब लीलाएँ सुन रहे हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद द्वारा रचित ये पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, ये लीला में हमको प्रवेश मिलता है। सो हियरिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। तो ये सबसे बड़ा अवसर है श्रवण का। तो इसलिए श्रवण का बहुत महिमा है। श्रवण करने से हम भगवान के संग में रहेंगे। टू हियर इज एक्टिविटीज इज टू इवॉल्व टू द ट्रांसेंडेंटल नेचर सिंपली बाई हियरिंग। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्तर उठेगा। जैसे भागवतम का ये श्रृंखला, ये वर्सेस है, शुश्रूषो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्, श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सृत्सताम। तो ये पूरा श्रृंखला में भागवतम में वर्णन आता है कि अगर हम सिर्फ ये कार्य करेंगे श्रवण, तो क्या होगा? हमारे अनर्थ मिटेंगे, निष्ठा उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति रति भाव और प्रेम उत्पन्न होगा। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। हम देखते हैं कि भागवतम में, वही भागवतम के पहले स्कंध में नारद मुनि की कहानी आती है। नारद मुनि व्यासदेव को उनके पिछले ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। उनका जन्म शूद्र के घर में हुआ था। उनकी जो माँ है वो दासी थी, अलग अलग लोगों के घर में जाके सेवा करती थी। ऐसे नम्र परिवार में जन्म हो के, तो नारद मुनि के पास ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई नहीं किया उन्होंने, सही संस्कार नहीं थे, ऊंचे कुल में जन्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था उनके पास। पर क्योंकि साधुओं के संग में आके श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनका अनर्थ, जितने भी हृदय में कलमश हैं, उससे छुटकारा प्राप्त करते हैं और उनको नारद मुनि का शरीर मिलता है। और ये सब कहाँ से शुरू होता है? श्रवण करने से। तो भागवतम के यही 10वें स्कंध में आगे जाके वर्णन आएगा, रुक्मिणी जी जो भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो कृष्ण को कैसे प्राप्त करती हैं? श्रवण करके। भगवान को कभी दर्शन नहीं किया उन्होंने, पर नारद मुनि उनके महल में आते थे, और भीष्म का उनके पिता के महल में आते थे और कृष्ण का गुणगान करते थे। तो कृष्ण का रूप गुण लीला सुन के कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया उन्होंने और कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। तो इसलिए सुनने का महत्व है। द कंडीशन सोल हैज अ नेचुरल एप्टीट्यूड टू हियर समथिंग अबाउट अदर कंडीशन सोल्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, ड्रामा एंड नॉवल। तो हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति के बारे में सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? दो लोग साथ में आते हैं तो क्या डिस्कशन होता है? उसने क्या किया, हाँ उसने ये गड़बड़ क्यों किया, ये क्या किया, वो देश में क्या चल रहा है, वो प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के बारे में, फैक्ट या फिक्शन, सत्य घटना या कुछ काल्पनिक नॉवल पुस्तक। अरे वो पुस्तक में क्या लिखा है,
नॉवल, यू नो, ये सब अलग अलग पुस्तक आते हैं. जैसे बचपन में लोग कार्टून देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस इत्यादि. क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत इच्छा है, अरे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है. पर ये सब चीज़ हमको भगवान के बारे में सुनने के लिए लगाना है. भगवान के धाम में क्या चल रहा है, भगवान का धाम कैसा है, भगवान क्या लीला करते हैं, भगवान के भक्त कैसे रहते हैं. दैट इंक्लिनेशन टू हियर समथिंग अबाउट अदर्स मे बी यूटिलाइज इन हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. तो एनी वे इच्छा है, कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो वो उपयोग हमको करना है भगवान के बारे में कथा सुन के. निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भवोषदा श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमां विरज्येत विना पशुघ्नात्. तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न कर सकता है. जो ये भवसागर से छुटकारा पाया है, या जो साधक है भवसागर से छुटकारा पाना चाहते हैं, या भौतिक व्याधि व्यक्ति है, हर व्यक्ति कृष्ण कथा पढ़ के लाभ ले सकता है. तो ये हमारे भारत का संस्कृति था, सब इर्द गिर्द घूमता था कृष्ण कथा में, रामायण नहीं तो महाभारत, या पुराण में जितने भी भगवान के कहानियाँ हैं उस पर ही ड्रामा होता था, उस पर ही चर्चा होता था. तो ये जिंदगी बिताने का तरीका है. दिस इज हाउ वी हैव टू पास लाइफ. देन वन कैन इमीडिएटली इवॉल्व टू हिज ट्रांसेंडेंटल नेचर. तो कृष्ण गीता के श्लोक में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन. जो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में ध्यान से सुनेगा, जैसा परीक्षित महाराज बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उत्सुक हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए. तो हमने देखा कि ये दसवां स्कंद शुरू होने से पहले नौवें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली बहुत संक्षेप में पूरे कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं, शॉर्टकट में एक 20-25 श्लोक में ए टू जेड पूरे कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं. और उनको लगता है बस हो गया, परीक्षित के पास अभी 2-3 दिन है, जाके थोड़ा सोने दो, आराम लेने दो. पर परीक्षित महाराज बोलते हैं नहीं, आप शॉर्टकट मत करो, विस्तार से बताओ. और जब सुखदेव गोस्वामी विस्तार से शुरू करते हैं, बंद ही नहीं करते, दसवां स्कंद चलता रहता है. तो इसलिए ये जो दूसरों के बारे में सुनने का जो इच्छा है, हमको भगवान में उपयोग करना है. वी हैव टू बी ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा. देन वन कैन इमीडिएटली इवॉल्व टू हिज ट्रांसेंडेंटल नेचर. कृष्णास पास्ट टाइम्स आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल, दे आर ऑल्सो वेरी प्लीजिंग टू द माइंड. तो कृष्ण के जो लीलाएँ हैं मधुर भी हैं और मन के लिए मनोरंजन भी देता है, आनंद देता है. तो ये हमारे लिए उत्सव है, नेत्रों के लिए उत्सव. जैसे रथ यात्रा के एक दिन पहले नेत्रोत्सव होता है. नेत्रोत्सव क्या है? जब जगन्नाथ का दर्शन मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है, वो नेत्रों के लिए उत्सव है. तो वैसे ही जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं वो कानों के लिए उत्सव है. इफ समवन टेक्स एडवांटेज of hearing the pastimes of the Lord, the material contamination of dust accumulated in the heart due to long association with material nature can be immediately cleansed. तो कुछ भी चीज़ करने से पहले हमको advantage पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या लाभ मिलेगा, है कि नहीं. ऐसे व्यक्ति वैक्सीन लेता है, कोविड वैक्सीन, तो उसके पहले उसको पता, वो जानकारी प्राप्त करता है क्यों लेना है वैक्सीन. अगर ये समझ गया तो जाके वैक्सीन लेता है, राइट. तो वैसे ही हमको कृष्ण कथा क्यों सुनना है, क्योंकि ये कथा सुन के हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं वो धुल जाएंगे. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय. तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ये जो कृष्ण प्रेम है हम सबके हृदय में ऑलरेडी है, पर अभी हमको उसका अनुभूति नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अनर्थ ढक चुके हैं उसको. इसलिए हमको क्या करना है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय. जब हम भगवान का श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय के जितने भी अनर्थ हैं वो धुल जाएंगे. श्रण्वताश्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विदुनोति सृत्सताम. तो भागवतों में वर्णन आता है कृष्ण कथा सुनने से हृदय के जितने भी अनर्थ हैं सब चले जाएंगे. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया.
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी, जो नित्य रूप से भागवत का सेवा करेगा, नित्यम भागवत सेवया, तो क्या होगा, जितने भी अनर्थ हैं वो मिट जाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। लॉ चैतन्य ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड दैट सिंपली बाई हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा वन कैन क्लेंस द हार्ट ऑफ ऑल मटीरियल कंटेमिनेशन। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको आदेश देते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि भगवान का हरिनाम करने से हमारे हृदय के जितने भी कल्मश हैं वो सब चले जाएंगे। देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन बट दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ विच हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन व्हेन अडॉप्टेड बाय एनी कंडीशन सोल विल ऑटोमेटिकली क्लेंस हिम ऑफ द मटीरियल कंटामिनेशन एंड इनेबल हिम टू रियलाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। तो हम भागवतम में भी सुबह के कक्षा में यही चीज़ प्रभुपाद समझाते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है इत्यादि, पर इन सब में से सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान की भक्ति, द टॉप मोस्ट प्रोसेस। बाकी मार्गों में से सर्वश्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो बाकी धर्मों में से श्रेष्ठ है, सब योगों में से श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमत। तो कृष्ण गीता के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां, सब योगियों में से श्रेष्ठ कौन है, मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो भगवान की भक्ति करता है। सो द टॉप मोस्ट योगा इज भक्ति योगा। और भक्ति योग क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्यम आत्मनिवेदनम, ये नौविधा भक्ति। पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, श्रवणम। तो देखिए सब मार्गों में से भक्ति योग श्रेष्ठ है, और भक्ति योग मतलब ये नौविधा भक्ति, और ये नौविधा भक्ति में भी सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, ऑफ विच हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इसलिए ये जब हम गीता या भगवान की लीला के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, ऑटोमेटिकली हमको अलग सा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भक्ति के लिए कृष्ण कथा सुनूंगा और हृदय के शुद्धिकरण के लिए थोड़ा ज्ञान योग अष्टांग योग, नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आता है, अपने आप अनायास उसका हृदय शुद्ध होता है। कंडीशन लाइफ इज ड्यू टू दिस कंटेमिनेशन ओनली एंड एज सून एज इट इज क्लियर ऑफ देन नेचुरली द फंक्शन ऑफ द डॉर्मेंट लिविंग एंटिटी रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड अवेकन्स। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे ये बद्ध अवस्था किसके वजह से है, एक ही कारण है, कंडीशन लाइफ इज ड्यू टू दिस कंटेमिनेशन ओनली, क्योंकि हमारा हृदय दूषित हो चुका है इसलिए हम यहाँ पे फंसे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सब अनर्थ हैं, हमारे हृदय में आ गए हैं इसलिए हम फंस चुके हैं, ये दुनिया में बंध चुके हैं। और यहाँ से छुटकारा प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति, और उसमें भी श्रवण। और ये करने से क्या होगा, ऑलरेडी जो भगवान के प्रति प्रेम है वो उत्पन्न होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है नेचुरली उत्पन्न होगा। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम सबका मूल स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास। अभी वो भूल के हम अभी माया का दास बन गए हैं, क्यों, हमारे हृदय में अनर्थ है, अज्ञान है। जैसे सूरज होता है आकाश में, पर जब बहुत ज़्यादा बादल होता है और कोहरा फॉग होता है सूरज दिखता नहीं है, सूरज है पर दिखता नहीं है। वैसे ही हम सब भगवान के दास हैं, वो सत्य हैं, पर क्योंकि इतना अज्ञान और इतना अनर्थ भर चुका है हम वो सत्य को देख नहीं पाते। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति, कृष्ण सूर्य सम माया हो या अंधकार
जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो इसलिए हम कृष्ण के संग में आएंगे और कृष्ण के संग में आने का प्रभुपाद तरीका बताते हैं, क्या है? कृष्ण कथा सुनना। क्योंकि जब कृष्ण वृंदावन में भी थे, हमेशा ब्रजवासियों के साथ नहीं थे, दिन में गोपों के साथ जाते थे गाय चराने के लिए, गोपियों को संग नहीं मिलता था कृष्ण का, और रात में जब गोपियों के साथ रहते थे उनके ग्वाल बालों को संग नहीं मिलता था। तो जब उनको संग नहीं मिलता था वो क्या करते थे? कृष्ण कथा सुनते थे या कृष्ण कीर्तन करते थे। तो ये वृंदावन की जिंदगी है, प्रभुपाद बताते हैं। जब यशोदा मक्खन बना रही है कृष्ण के लिए दामोदर लीला में, वो क्या करती है उस समय? कृष्ण की लीलाओं का चर्चा कर रही है, गुणगान कर रही है कृष्ण कथा का, और इस तरह से कृष्ण के संग में है। तो इसलिए अगर हम कृष्ण के संग में रहेंगे माया के प्रभाव से छुटकारा पाएंगे। बाई डेवलपिंग हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड वन बिकम्स एलिजिबल टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज। तो इसलिए जब हम भगवान के भक्ति करेंगे और भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब हम भगवान के भक्तों के साथ दोस्ती करेंगे। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों के संग में आके हम दोस्ती ही उत्पन्न करेंगे, और ये दोस्ती क्या होगा? कृष्ण कथा पे निर्भर, बेस्ड ऑन कृष्ण कथा। जब भक्त साथ में आते हैं क्या चर्चा करना चाहिए? कृष्ण कथा के बारे में चर्चा करना चाहिए। आपने क्या पढ़ा, राइट? आपका क्या अनुभव है, आप कैसे सेवा कर रहे हैं भगवान का, ये सब चर्चा होना चाहिए। इसमें संबंध बहुत घनिष्ठ होता है। जैसा हम गोस्वामियों का जिंदगी सुन रहे थे, जब सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर से मिलते थे, या ये षड गोस्वामी वृंदावन में साथ में रहते थे, साथ में मिलके वो कृष्ण कथा करते थे, और इससे उनका दोस्ती और गहरा बनता है। दक्षिण भारत में एक कहानी है, आलवारों की कहानी है। आलवार करके दक्षिण भारत के बहुत महान संत हैं। तो एक बार एक महान आलवार जाते हैं भगवान का हरिनाम लेते हुए, और बहुत ज़ोरों से बारिश होता है, और ढूंढ रहे हैं एक छाया खड़ा होने के लिए बारिश से बचने के लिए, और एक छोटा सा झोपड़ी दिखता है उनको, और उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और एक बेड है, बिस्तर है उधर, तो थोड़ा लेट जाते हैं। थोड़े समय बाद और एक व्यक्ति कटकटाता है, और एक दूसरे आलवार आ गए उधर, भगवान ने उनको भी भेज दिया। तो जब भक्त प्रामाणिक रहता है, भगवान ऐसे भक्तों की ज़िंदगी में और एक भक्त भेजते हैं, आप साथ में आके मेरा चर्चा कीजिए। तो और एक आलवार आते हैं, और वो जगह, हालांकि कुटिया बहुत छोटा था, सिर्फ एक व्यक्ति के सोने के लिए जगह था, पर ये पहले जो आलवार आए थे महान भक्त, वो बोलते हैं ये कुटिया में एक व्यक्ति सो सकता है तो दो व्यक्ति बैठ सकता है, आप भी आ जाओ। जगह कम था, पर जब कृष्ण हृदय में रहते हैं दिल, जगह भी बहुत बढ़ जाता है, अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में कृष्ण गोवर्धन को उठाते हैं, गोवर्धन का साइज उतना ही था, पर पूरा वृंदावन के लोग आ गए, गोवर्धन ने सबको अकोमोडेट किया, क्योंकि जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे अकोमोडेशन होता है। तो दूसरा आलवार आते हैं, दोनों बैठते हैं, और दोनों मिलके अभी क्या करेंगे? दो भक्त आ गए तो, जैसा प्रभुपाद बताते हैं, दो पियक्कड़ आ गए तो क्या करेंगे? पियेंगे, है कि नहीं? तो वैसे ही दो भक्त आ गए तो क्या करेंगे? कृष्ण कथा करेंगे। तो दोनों कृष्ण कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और सडनली और कोई कटकटाता है दरवाज़ा, तो अभी कौन आ गया? तो देखते हैं, खोलते हैं, तो और एक तीसरे आलवार आ गए वहाँ पे, भगवान ने इनको भी भेज दिया। तो भक्त नहीं बोलते, अरे तू चला जा कहीं और, बोलते नहीं अंदर आ जाओ अभी देखो। जैसे व्यक्ति दारू पीता है ना, जितने लोग साथ में आते हैं उतना और मज़ा आता है कि नहीं? तो वैसे ही इनको बोलते हैं, आप भी आ जाओ अंदर, दो लोगों को बैठने के लिए जगह है तो तीन लोग खड़ा हो सकते हैं। तो तीनों खड़ा होके कृष्ण कथा कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद करते करते उनको समझ में आता है कि चौथा व्यक्ति भी है इधर, भगवान स्वयं आ जाते हैं उधर इन तीनों भक्तों का संग करने के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगीषु हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। वो बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूँ और योगियों के हृदय में नहीं हूँ, जहाँ पे मेरे प्रेमी भक्त आके मेरा चर्चा करते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। तो इसलिए अगर हमको दोस्ती भी एक्सपीरियंस करना है,
तो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए महाराज परीक्षित रिकमेंडेड फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट एवरीवन ट्राई टू हियर अबाउट द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि हम सबको कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रयास करना है, एवरीवन शुड ट्राई। तो ये आसान नहीं है, बद्धावस्था में भक्ति करना इतना आसान नहीं होता। बैठ के जप करो, बैठ के श्रवण करो, पुस्तक पढ़ो, नींद आता है, बहुत सारे अलग अलग कष्ट आते हैं, मन इधर उधर भटकेगा, बहुत कुछ आएगा, फिर भी ये हमारा ऑस्टेरिटी है, ये हमारा तपस्या है, बैठना, अच्छा लगे न लगे बैठना, क्योंकि हम कृष्ण को बताना चाहते हैं कि हम प्रामाणिक हैं, वी आर सीरियस। तो इसलिए परीक्षित महाराज सबको अनुरोध कर रहे हैं, हम सबको उनके उदाहरण से। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है, मुझे तक्षक का, मुझे मृत्यु आने वाला है उसके बारे में कुछ चिंता ही नहीं है। मुझे याद है हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था स्तोक कृष्ण प्रभु, राधानाथ स्वामी महाराज के सर्वेंट थे। तो उनको वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के जाते हैं, शादी होता है उनका, शादी होने के एक साल बाद ही उनको कैंसर हो जाता है और डेडली कैंसर, डॉक्टर बोलते हैं थोड़े ही महीना बचा है इनका। तो इनको मंदिर में लेके आते हैं, मंदिर के एक रूम में रखते हैं और सब भक्त राधानाथ महाराज बाकी सब ब्रह्मचारी उनके लिए कीर्तन कर रहे हैं, दिन रात कीर्तन चल रहा है। तो स्तोक कृष्ण प्रभु उनका पूरा शरीर में इतना दर्द हो रहा था, हड्डी का कैंसर था, पूरा शरीर को खा लिया कैंसर, इतना दर्द होता है। वो जो पेन किलर देते हैं, मॉर्फिन बोलते हैं उसको, बहुत खतरनाक एक पेन किलर है, वो पेन किलर भी नहीं काम कर रहा था, दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर भी उनके चेहरे पे हमेशा हंसी है, ऑलवेज स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि निरंतर वो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कीर्तन सुन रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, उनको कुछ पढ़ा ही नहीं कैंसर का। तो महाराज उनको पूछते हैं आपको कुछ इच्छा है क्या? तो मुझे और कुछ इच्छा ही नहीं है, मुझे ये मिल रहा है और कुछ इच्छा ही नहीं है, मैं सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। तो वैसे ही परीक्षित महाराज यहाँ पे उनका उदाहरण दे रहे हैं, उनका अभी थोड़े ही दिन में आके दसवां स्कंद मतलब ऑलमोस्ट भागवतम का आधा हो चुका है, 3.5 दिन हो गए और 1-3 दिन बचा है परीक्षित का अंत का, जब तक्षक आके उनको काट के उनका मृत्यु होने वाला है। पर परीक्षित बोल रहे हैं मुझे इतना आनंद आ रहा है कृष्ण कथा में, मुझे और कुछ कष्ट ही नहीं है दुनिया में। दिस कृष्णा ट्रीटिस इज मेंट फॉर दैट पर्पस एंड द रीडर मे टेक एडवांटेज इन ऑर्डर टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो कृष्ण पुस्तक है, भागवतम है, किसके लिए है? हम सबको परीक्षित की तरह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। जैसा परीक्षित का नोटिस है 7 दिन में मृत्यु, हमारा भी नोटिस है 7 दिन में मृत्यु होगा है कि नहीं? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 7 दिन में से 1 दिन होगा मृत्यु, है कि नहीं? तो हम सबका 7 दिन नोटिस है, एक ना एक दिन हमारा लंबा लगेगा। तो इसलिए परीक्षित का उदाहरण बहुत गंभीरता से लेना है और वी हैव टू टेक एडवांटेज ये कृष्णा बुक का, ये कृष्ण के लीला का फायदा लेना है, इसको ध्यान से सुनना है और इससे क्या होगा, हमारा मनुष्य जिंदगी सफल होगा, आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। जैसे इंग्लिश में कहावत है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। मृत्यु हमारा एग्जाम है, उस पर अगर पास होना है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंत समय में कृष्ण का स्मरण करना है और कृष्ण का स्मरण कौन करेगा? जो जिंदगी भर कृष्ण के बारे में सुनेगा। इसलिए श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद ये तृणाव्रत के वध शुरू करने से पहले सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, महत्व, कृष्ण कथा का महत्व क्या है, ये महत्व अगर समझेंगे तब हम कृष्ण कथा को गंभीरता से लेंगे। तो इसके आगे का वर्णन हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे।